हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम टू क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। आज है 28 मई और आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रसायन विज्ञान, जिसका टॉपिक का नाम है मिक्स्ड टॉपिक क्वेश्चन। कहने का अर्थ यह है कि दो तीन टॉपिक ऐसे थे जिसमें प्रश्न बहुत कम पूछे गए थे एग्जामों में, तो उस तीनों टॉपिकों से हम मर्ज कर करके एक टॉपिक का नाम दे दिए जिसका नाम है मिक्स्ड टॉपिक। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात है, 12 क्वेश्चन 12 मिनटों में टाइमर के साथ हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप लोग पहले इस वीडियो को शेयर और लाइक कर लें। दूसरी बात है, वैसे दोस्त जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो प्लीज वैसे दोस्तों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1, धनायन तब बनता है जब क्या होता है? धनायन तब बनता है जब ऑप्शंस ए परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑप्शन बी परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, ऑप्शन सी परमाणु का बाहर से धनावेश आता है, ऑप्शन डी परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता था। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। फटाफट इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रश्नों का जवाब देते रहिए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, ऋणायन तब बनता है जब क्या होता है? ऑप्शन ए परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑप्शन बी परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, ऑप्शन सी परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, ऑप्शन डी परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। चलिए अपनी अगले प्रश्नों की ओर दोस्तों। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 3, सहसंयोजी ओबंध किसके कारण बनता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण अंतरण, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों के आंशिक अंतरण, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों के अंशभाजन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों के दान। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। फटाफट इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे दोस्तों, उन लोगों तक पहुंचाए जिनके पास इनकी जरूरत है, जिसके आने वाले समय में पेपर है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनों की अंश भाजन। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर दोस्तों। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों कि उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। तो ऑप्शन ए HO, ऑप्शन बी NHACl, ऑप्शन सी SO, ऑप्शन डी SO2। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। फटाफट 12 क्वेश्चन 12 मिनटों में सॉल्व करना है दोस्तों, लग जाइए एकदम धड़ाधड़। अपने लाइफ का 11 मिनट निकालिए और GS का सॉल्यूशन कीजिए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर NHACl। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 5, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण, ऑप्शन ए KCl, ऑप्शन बी BaO, ऑप्शन सी CHCl2, ऑप्शन डी CaH2। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। फटाफट इस वीडियो को शेयर और लाइक करें दोस्तों, और जो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर ले इस चैनलों को। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर CHCl2। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, प्रश्न संख्या 6,
हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है ऑप्शन ए क्षार धातुओं से, ऑप्शन बी अक्रिय गैसों से, ऑप्शन सी क्षारी मृदा धातुओं से, ऑप्शन डी हैलोजन से। मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन सवालों का जवाब देते रहिए। दोस्तों, फटाफट आपके लिए लाए हूँ 12 क्वेश्चन 12 मिनटों में। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अकड़ी गैस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है। ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम फ्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। फटाफट फटाफट दोस्तों, 12 क्वेश्चन 12 मिनटों में सॉल्यूशन करना है दोस्तों, फटाफट लग जाइए। जो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक सहसंयोजक यौगिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांतों पे कार्य करता है। ऑप्शन ए नियंत्रित विखंडन अपक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी नियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 प्रश्न 12 मिनटों में करके जाइए दोस्तों। स्टॉप दोस्तों, इस प्रश्न का सही है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों कि हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, मतलब हाइड्रोजन बम किसने बनाया था। तो ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर द्वारा, ऑप्शन बी वर्नर बॉन ब्राउन द्वारा, ऑप्शन सी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा, ऑप्शन डी सैमुअल कोहेन द्वारा। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। फटाफट फटाफट इस 12 क्वेश्चन 12 मिनटों में करते जाइए दोस्तों, ये आप लोगों के लिए लाए हैं कम समय में कम क्वेश्चन, मस्त सुपर। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एडवर्ड टेलर द्वारा ने हाइड्रोजन बम का विकसित किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवालों का जवाब देते रहिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों कि अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है, अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग, ऑप्शन बी रेडियो आयरन डेटिंग, ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन डी पोटेशियम आर्गन डेटिंग। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पोटेशियम आर्गन डेटिंग के द्वारा प्राचीन चट्टानों के आयु का निर्धारण करने में उपयोग किया करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। ऑप्शन ए रेडियो फास्फोरस, ऑप्शन बी रेडियो आयोडीन, ऑप्शन सी रेडियो आयरन, ऑप्शन डी रेडियो सोडियम। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवालों का जवाब देते रहिए दोस्तों। आप लोगों के लिए ये प्रश्न लाए हैं 12 क्वेश्चन 12 मिनटों में, बस अपने लाइव का 12 मिनट निकाल लीजिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। आप इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, रेडियो सोडियम का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12। अल्फा बीटा तथा गामा, 7 लिखा गया दोस्तों, गलत है। अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है। ऑप्शन से ऑप्शन बी उल्टा पुलटा दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन से बी गामा बीटा अल्फा, ऑप्शन सी
बीटा गामा बीटा अल्फा गामा, ऑप्शन ए अल्फा बीटा गामा, ऑप्शन डी गामा अल्फा बीटा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। फटाफट फटाफट कीजिए दोस्तों, ये प्यारा प्यारा प्रश्न आप लोगों के लिए लाए हैं। 12 क्वेश्चन 12 मिनट में करना, अपना लाइफ का 12 मिनट निकालिएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे आ चुका है आप लोगों के लिए। जल के अधिक क्वथनांक का कारण है, जल के अधिक क्वथनांक का कारण है। ऑप्शन ए इसकी अधिक विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन बी इसकी इसका अधिक डायलैक्टिक स्थिरांक, ऑप्शन सी जल के अणुओं का कम वियोजन, ऑप्शन डी जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप हमारे इस चैनल के कॉमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, ठीक है दोस्तों। जितने भी हमारे 67 अबाउट जो हमारे दोस्त हैं जो इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में दे, गलत दे सही दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। आंसर ऑफ द लास्ट क्लासेज ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे, पिछले क्लासों में जो पूछे गए थे क्वेश्चन ऑफ डे का जो प्रश्न जो थे वो ये था कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया गया था। तो ऑप्शन था ए एडवर्ड टेलर द्वारा, ऑप्शन सी बी वर्नर ब्राउन द्वारा, ऑप्शन सी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा, ऑप्शन डी सैमुअल कोहेन द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए आज हम लोगों ने 12 प्रश्न 12 मिनटों का अध्ययन ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्टों से इम्पॉर्टेंट टॉपिक सौरमंडल किए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक सौरमंडल। दोस्तों इस सौरमंडल के हमारे चैनल पे जितने भी प्लेलिस्ट में होंगे सारे को अच्छे से याद कर लीजिएगा, सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग रहिए ठीक मस्त, टेक केयर, बाय बाय।